देखिए स्टैंप हो रहा है, और ये है जज भाई। जज भाई आपका नाम क्या है? ज्योतिर्मय दास। ज्योतिर्मय दास इस गेम का जज है। आज बहुत बड़े कंपटीशन होने जा रहे हैं। 6 क्लाप का खेला है। ये 9 कबूतर जो ग्रे ब्लैक डायमंड कबूतर हम लोग छोड़ रहे हैं। एक कबूतर जो है अगला मैच में भी खेल के फर्स्ट पोजीशन मार के आया, 21.5 घंटा उड़ के आया। अभी भी एक कबूतर जो है आज ये कंपटीशन में हम लोग छोड़ रहे हैं। आज 8 बजे कबूतर छोड़ेंगे, जो कंपटीशन हम लोग होने जा रहा है 8 बजे से छोड़ना है। तो अभी फिलहाल जो है कबूतर जो है छोड़ेंगे। तो 9 कबूतर आप लोग देख रहे हैं, कबूतर छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं, ये निकल गया कबूतर। तो आप लोग देखते रहिए ऐसे करके। पहला कंपटीशन आपको पता है जो हम लोग एक तो दिए थे यूट्यूब में, उसमें फर्स्ट पोजिशन आया था मेरा। तो 21.5 घंटा तक कबूतर उड़ के आया। तो आज फिर छोड़े हैं, देखते हैं क्या करता है। जो रिकॉर्ड हम किए थे वही रिकॉर्ड ही हम तोड़ पाते कि नहीं है ये लोग ही बताएगा। तो फिलहाल जो है फिर आप लोग जैसे होगा वैसे हम लोग अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। दोस्तों हम लोग नीचे आ चुके हैं। देखिए ये जज भाई बैठे हुए हैं और वो है समलता का लॉफ्ट। बंधुरा हमारा बाहर एक घूरते देख झिलेर पारे कत बारे मतो खूब सुंदर जगहटा और सब संगी एखे रे से दादा देखें दादा न्याड़ा हो। हाँ बाबार काज छिलो तो ओई न्याड़ा हो। খুব সুন্দর জায়গাটা, আমরা একটু ঘুরে নিই। সারা দিন রাতের ব্যাপার তাই তো? একদম সারা দিন রাত, এখন তো ইচ্ছা তো সারা রাত, তারপর বাকিটা ওদের উপরে দেখা যাক কতক্ষণ কি করে ওরা। সোমনাথ বাড়িটা ঠিক এই ঝিলের পাশেই। दोस्तों आइए आप लोगों से बहुत ही प्यारा सोमनाथ का लड़के से परिचय कराते हैं। तुम्हारा नाम बोलो। आमार नाम शीशा खालदार। कौन स्कूले पढ़ो तुम्हें? विवेकानंद मिशन स्कूल। विवेकानंद मिशन और कौन क्लास है? नर्सरी टू सेक्शन बी दे। अच्छा तुम्हारे बाबा नाम की? सोमनाथ हालदार। सोमनाथ हालदार তুই পায়রা ভালোবাসো? হ্যাঁ ভালোবাসো পায়রা? ঠিক আছে। কটা পায়রা তোমার? কটা পায়রা? অনেক পায়রা। তা ও পায়রা ওটা দেখতে এখানে বসে গেছে। আগের ভিডিওতে ও ছিল আমাদের সঙ্গে কিন্তু আমি দেখাইনি, এই ভিডিওতে দেখালাম। দেখিয়ে সোমনাথ দা মার্কেটিং করকে আয়ে হ্যায় সব লোক আয়েঙ্গে কবুতর প্রেমী। आज भी बहुत सारे आपका आदमी आएंगे? हाँ, दूसरों तो आता ही है, बहुत दूर दूर से आएगा आदमी लोग, आएगा सब शाम को ही आएगा।
सभी को पता है जो मोटा मोटी राख तो करेगा ही कबूतर। दोस्तों अब 12 बज चुके हैं, देखिए सोमनाथ दा का कबूतर एक साथ चल रहा है। हम कलकत्ता से सोमनाथ दादा बोल रहे हैं, तो देखिए मेरा 9 कबूतर चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। ये देखिए उसका पे है, जूम करने पड़ रहा है। ये देखो 9 कबूतर एक संग चल रहा है। फिर जैसे आते रहेगा फिर आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए भैया तंदूरी का रेसिपी हो रहा है, रात को होगा इसलिए अभी से ही तैयार हो रहा है एकदम। हम लोग को सेफ जो है संजीव ठाकुर संजीव ठाकुर देख लीजिए, संजीव ठाकुर को टकला जी। दोस्तों 2 बज चुके हैं, देखिए सोमनाथ दा का कबूतर एक साथ 9 के 9। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बजने जा रहा है, आइए सोमनाथ दा से कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आज 6 क्लब का टूर्नामेंट हो रहा है बहुत बड़ा पैमाना में, तो कबूतर जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो भाई ने बोला अभी 2 बज रहा है दोपहर का, तो अभी 2 बजे तक भी कबूतर जो है बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो जाज भाई मेरा है यहाँ पर 6 क्लब से आए हुए हैं, तो जाज भाई सुबह से लेके अभी तक जो कबूतर चल रहा है और आप कुछ बोले। कबूतर सुबह से अच्छा ही चल रहा है, बहुत हाइट में है कबूतर, कबूतर अच्छा चल रहा है। एक साथ नौ कबूतर एक साथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। ओके थैंक यू। सोमनाथ दा कैसा लग रहा है पिछले बार की तरह इस बार भी? देखिए भैया सुकुरमाल जी, बात है क्या, पहला वीक जो हम कबूतर उड़ाए उसमें जो रिजल्ट हुआ है, और इस वीक में जो कबूतर उड़ रहा है उससे भी अच्छा उड़ रहा है कबूतर। अच्छा, तो किसका क्या रिकॉर्ड है हमको पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो ऊपर वाला से ये कर रहे हैं, जो अपना रिकॉर्ड जो बनाए 3:30 बजे तक कबूतर उड़ा है वही रिकॉर्ड भी हम अपना रिकॉर्ड हम तोड़ पाए तो उसमें हम बहुत खुश होंगे। देखते हैं क्या कबूतर क्या करता नहीं करता, फिर आने वाला टाइम में पता चलेगा जो क्या होता है। बेस्ट विशेस फॉर यू। ओके थैंक यू। अभी जो शाम को 5 बज चुके हैं, हम लोग लाइट देने आए हुए हैं, लाइट भी दे दिए। सुबह में 9 कबूतर जो हम लोग छोड़े थे मॉर्निंग में 8 बजे, अभी शाम को 5 बज गया है, अभी 9 कबूतर वैसा ही चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो जैसा भी हो फिर आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, आप लोग जोड़ के रहिए।
আজকের বাংলার বুকে আনলিমিটেড ম্যাচ, আর যেটা সকাল 8টা থেকে খেলা হচ্ছে। তো আজকের 13 জন পার্টিসিপেট, তো একজন আমাদের সোমনাথ হালদার, সবাই চেনেন, তো উনিও আজকে পার্টিসিপেট করেছেন। এখন রাত 7:45 বাজে, এখন অবধি ওনার সমস্ত পায়রা রয়েছে, 9টা পায়রাই উঠছে আকাশে, এবং যারা 13 জন খেলেছেন তাদের সবারই কন্টিনেন্ট পায়রা এখনও রয়েছেন। তো আজকে আমরা ফ্লাইং জাজ এখন এসেছি এই মুহূর্তে সোমনাথদার বাড়িতে, পায়রা উড়ান দেখছি, শখ করছে, এবং অনেক মানুষই এখানে রয়েছেন, পায়রা প্রেমীরা রয়েছেন বাংলার, তো ওনারাও শখ করছেন। এইভাবে উনি ভালো উড়াক, আজকের ম্যাচটা খুব সুন্দর হোক, এবং যাতে আমরা চেষ্টা করি যে রেকর্ড আছে যে কোনো ক্যান্ডিডেট আজকে ভাঙুক, যেই ভালো ওড়াবে সেই আজকে চ্যাম্পিয়ন হবে। এবং সোমনাথ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা সোমনাথদাকে আগে থেকে, এবং সোমনাথদা নয়, আমাদের পুরো 13টি ক্যান্ডিডেটকেই এইভাবে আমরা সম্মান দিয়ে চেষ্টা করছি, যেখানে আমাদের রানিং জাজ যাচ্ছে ওনাদেরকে সম্মান দিয়ে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া, কেন একটা একটা ডে নাইটের জন্য প্রচুর মেহনত হয়, সারা রাত জেগে। আমরা তো একদিনের জন্য খেলা করাচ্ছি, কিন্তু এনারা যে ফরক দিয়েছেন সেখানে সারা রাত জেগেছেন, সময় দিয়েছেন, রাত জেগে জেগে একা ছাদের ওপর শীতের সময় ব্যয় করে এই পায়রাটা রেডি করেছেন, যে বাংলার আরও পায়রাপ্রেমীরা ওনার শখ দেখতে পারে। তো আজকের ওনার কাছে এসে আমরা এইটা সম্বর্ধনা জানালাম ওনাকে, থ্যাংক ইউ দাদা, আর যাতে উনি ভালো উড়ুক আজকের পায়রা। আমাদের পুরো টিম রয়েছে এখানে, রাশিদ ভাই, ইরফান ভাই, নূর ভাই রয়েছে, ইমরান আছে, তো এইভাবে সবাই আমরা সম্বর্ধনা সব জায়গায় করছি, যাতে বাংলার শখটা এগিয়ে যাক, এবং শান্তির প্রতীক যেটা পায়রা সেইভাবে শান্তিভাবে আমরা সকলে যাতে শান্তভাবে পায়রা শখ করি এবং এইভাবে এগিয়ে চলি। देखिए टाइम सुबह 8 बजे, कबूतर छोड़ा है, अभी भी 9 कबूतर मेरा चल रहा है। कबूतर जो है काला कबूतर है, तो आग में दिखाई दे रहा लेकिन कैमरा में नहीं आ रहा, इसीलिए कबूतर मतलब वीडियो नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए वॉइस में बात कर रहा। तो मेरा जज है, जज भाई सुबह से जो कबूतर चल रहा है कैसे चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है, कबूतर काला कबूतर है इसलिए कैमरा में नहीं आ रहा है। तो 9 जो छोड़े 9 ही चल रहा है ना? चल रहा है कबूतर। चलो बढ़िया बात है यार, इसे कोई तकलीफ नहीं? नहीं नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक।
सोमनाथ का लास्ट पिजियन देखिए, ये लास्ट कबूतर बैठ गया पूरे 3 बजे, रात को 3 बजे हुए और लास्ट कबूतर बैठा है। दोस्तों 3 बज चुका है और अभी आज का जो डे नाइट मैच था सोमनाथ दा का वो ख़त्म हुआ है। तो सोमनाथ दा का कैसे एक्सपीरियंस रहा, आइए सोमनाथ दा से पूछ लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत हम खुश है जो कबूतर बहुत अच्छा उड़ा है। तो इस साल का 2 टूर्नामेंट मेरा हुआ है। तो पहला जो टूर्नामेंट में हम खेले थे उसमें हम फर्स्ट पोजीशन लगा था मेरा, और दूसरा अभी मैच खेले हैं लग रहा अच्छा पोजीशन में हम आएंगे। 6 क्लब का टूर्नामेंट था तो उसमें से शायद 1 पोजीशन आएगा। और जो मेरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो 2 कंपटीशन हम जो खेले हैं, जो इस साल जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है शायद अगला साल मेरे काम में आएगा। कोशिश करेंगे इससे भी बेटर कुछ करने का, और आप लोग का प्यार आप लोग का दुआ है बोल के हम ये मुकाम में पहुँचे हैं। तो आने वाला दिन में कोशिश करेंगे इससे भी बेटर कुछ करने के लिए। आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही हमको देते रहे, तो अगले साल कोशिश करेंगे और कुछ करने के लिए। थैंक यू, आप लोग अच्छा रहेंगे और दुआ कीजिए जो सब अच्छा रहे। थैंक यू सोमनाथ दा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और सोमनाथ दा का 2 वीडियो आया है, पहला वीडियो भी बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत कमेंट और लाइक आया है। तो इस वीडियो में भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।